हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 कॉमर्स क्लासेस में। तो हम लोग इकोनॉमिक्स का फर्स्ट क्लास आप सभी को देखे होंगे और लेक्चर वन कैसा लगा, आई थिंक आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। और लेक्चर टू में आप सभी का स्वागत है। तो कल के क्लास में हम लोग देखे थे कि इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन देखे थे और उसमें इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक्स वर्ड आया कहाँ से, है ना, ये सब सारा चीज हो गया था। और एक अर्थशास्त्री जिसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, दैट मींस एडम स्मिथ, एडम स्मिथ के द्वारा जो परिभाषा दी गई थी, दैट मींस डिफिनेशन जो दिया गया था, उसको कल के क्लास में हम सभी देख चुके थे। तो आप सभी को पता है कि अगर आप जब आगे बढ़िएगा, जैसे एक समाज में जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो पीछे से आलोचना करने वाले पीछे रहते हैं आप, है ना। तो उसी तरह से अर्थशास्त्री के ग्रुप में भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो एडम स्मिथ ने जैसे ही परिभाषा दी, एडम स्मिथ ने जैसे ही परिभाषा दी तो पीछे से आलोचना करने वाले बहुत सारे अर्थशास्त्री थे। और वाजिब है, अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं, गलत रास्ते पे चल रहे हैं या कुछ उसमें त्रुटि रह गई है तो पीछे से आलोचना होता है, या कुछ अच्छा भी करते हैं अगर उसमें कुछ त्रुटि रह जाती है तो पीछे से आलोचना होती है। तो उसी प्रकार का कुछ ऐसा ही हुआ था यहाँ पे। डॉक्टर मार्शल उनके परिभाषा से सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि सभी चीज धन नहीं होता है। अगर आपके पास धन नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप इस पृथ्वी पे नहीं रह सकते, आप अपने समाज में नहीं रह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने धन से ही सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसा भी चीज होता है जिससे आप अपनी आवश्यकताओं की, महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। तो चलिए आते हैं डॉक्टर मार्शल का क्या कहना था उसको हम लोग देखते हैं। डॉक्टर मार्शल ने 1890 में एक इन्होंने एक बुक लिखा, एक पुस्तक लिखा, एक उस पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए, आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो सकता है। बोला जाता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि डॉक्टर मार्शल के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी, ये लिखा गया, यानी तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो आप बता, आप बोल सकते हैं डॉक्टर मार्शल के द्वारा। यानी तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक और भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर मार्शल ने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक आप कौन से ईस्वी में लिखी, तो 1890 ईस्वी में लिखी, इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने इस पुस्तक में, डॉक्टर मार्शल ने 1890 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र को परिभाषित किया। और अर्थशास्त्र का डिफिनेशन क्या बताया उन्होंने कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का अध्ययन करता है। इसका मतलब उन्होंने जो परिभाषा दिया, उन्होंने परिभाषा दी मानव कल्याण, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, मानव कल्याण से संबंधित उन्होंने परिभाषा दी। देखिएगा, इस तरह से अगर आप याद रखते हैं तो आपको डिफिनेशन को याद रखने में आसानी होगी। देखिएगा, इस तरह से बस आपको याद रखना है कि डॉक्टर, क्योंकि आपको मैंने ये कल के क्लास में भी क्लियर कर चुका था कि आपको जो है इकोनॉमिक्स को रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अगर आपका, तो इकोनॉमिक्स में रटने की आवश्यकता नहीं होगी। तो डॉक्टर मार्शल ने 1890 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में मानव कल्याण से संबंधित परिभाषा दी। आपको इतना लिखना है परिभाषा। इन्होंने बताया एक बच्चा गरीब है, अगर उसको रोटी नहीं है, मान लेते उसको पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, उसको वो पढ़ना चाहता है, अगर दूसरा व्यक्ति अगर उसके पास ज्यादा पैसा है तो क्या उसका मानव कल्याण नहीं कर सकता है। तो उन्होंने बताया अगर उस बच्चा को अच्छे से पढ़ा दिया जाए तो वह बच्चा समाज का कल्याण करेगा, आगे मेरा समाज आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा, है ना। इससे संबंधित मार्शल ने अपनी परिभाषा को रखी। उसके बाद फिर से आए और भी बहुत सारे अर्थशास्त्री थे, उन्हीं में से एक और अर्थशास्त्री आए, रोबिन्स आ गए। ये मार्शल के द्वारा दिया गया था, उसके बाद रोबिन्स आ गए। रोबिन्स ने 1932
1932 ईस्वी में उन्होंने एक पुस्तक लिखा, उस पुस्तक का नाम था, पुस्तक का नाम बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन आप इजी वे में उसको याद रख सकते हैं, एन एसे ऑन द नेचर, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इन्होंने ये पुस्तक लिखा, देखिएगा आप मेरे साथ साथ भी बोल सकते हैं, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। यहां पे थोड़ा सा रोक रहे हैं, अगर आप लोगों को ये पुस्तक का नाम अगर याद हो जाए तो कमेंट बॉक्स में खुद से आपको वो टाइप करके लिखना है, देखकर नहीं लिखना है, खुद से अगर याद हो जाए तो खुद से लिखना है इसको, ठीक है, प्रॉमिस कर रहे हैं आप लोग। चलिए उसके बाद देखिएगा, तो ये पुस्तक में उन्होंने डिफिनेशन दिया किसका, अर्थशास्त्र का, और बहुत ही मतलब की सबसे जबरदस्त परिभाषा दी रॉबिन्स ने। रॉबिन्स ने जो परिभाषा दी है अर्थशास्त्र की, दुर्लभता संबंधी, दुर्लभता को इंग्लिश में बोलते हैं स्कार्सिटी, दुर्लभता संबंधी इन्होंने परिभाषा दी, कौन, रॉबिन्स ने। जैसे आप लोगों को मैंने बताया था प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती, असीमित होती है, और साधन सीमित होती है, साधन सीमित होने पर उसका वैकल्पिक प्रयोग करके अपनी महत्वपूर्ण जरूरतमंद आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ऐसा बात बोलने वाले और कोई नहीं थे, वो रॉबिन्स ही थे। ये रॉबिन्स ही थे, रॉबिन्स ने ही कहा था प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है और साधन सीमित होती है, साधन सीमित होने पर मनुष्य उसका वैकल्पिक प्रयोग करके अपनी जरूरतमंद आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। एक बच्चा एक दुकान में जाता है, मान लेते हैं उसके जेब में 5 रुपया ही है, उसके जेब में 5 रुपया ही है, लेकिन यानी तो एक बच्चा नहीं, कोई भी आदमी जाता है एक दुकान में, उसके पास जेब में 5 रुपया ही है, 5 रुपया का एक ब्रेड है, 5 रुपया का एक चॉकलेट है, 5 रुपया का एक किंडर जो है मान लेते हैं। अब देखिएगा उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अब उसी को पता होगा, मान लेते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सभी का दाम 5-5 रुपया ही है, तो सभी चीज को वो परचेज नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास साधन सीमित है, तो वो उसका वैकल्पिक प्रयोग करेगा, क्योंकि एक विवेकशील उपभोक्ता है, वो एक विवेकशील उपभोक्ता उसका वैकल्पिक प्रयोग करेगा, अल्टरनेटिव यूज करेगा, वो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो उसको 5 रुपया खर्च करने पर उसको सबसे ज्यादा जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा उस चीज को वो परचेज करेगा। यस या नो? तो इस तरह का बात जो है रॉबिन्स ने कहा था। रॉबिन्स ने क्या कहा था कोई पूछेगा तो बोल सकते हैं, मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है, साधन सीमित होती है, साधन सीमित होने पर उसका वैकल्पिक प्रयोग किया जाता है और उसका वैकल्पिक प्रयोग करके अपने जरूरतमंद आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, ऐसा रॉबिन्स ने कहा था। ठीक है, तो यहां तक आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो आप सभी कोई नोट्स कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट खींच लिए होंगे, है ना? तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिएगा एडम स्मिथ के बाद मार्शल आए, मार्शल के बाद रॉबिन्स आए, और रॉबिन्स के बाद सैमुएलसन की बारी थी, और सैमुएलसन जो है आधुनिक अर्थशास्त्री है। सैमुएलसन ने जो काम किया वो बहुत ही बेहतर था, सैमुएलसन ने क्या किया, मार्शल, रॉबिन्स, पीगू, जितने भी अर्थशास्त्री ने परिभाषा दी थी उसको एक परिभाषा बना दिया, उसको क्या किया, उसको एक परिभाषा बना करके उन्होंने अपना एक बेहतर परिभाषा दिया, इसीलिए सैमुएलसन को आधुनिक अर्थशास्त्री कहा जाता है, और इन्हें यही परिभाषा के कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किसको, सैमुएलसन को। तो आप बोल सकते हैं नोबेल
नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किने? सैमुएलसन को। सैमुएलसन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने अर्थशास्त्र की जो परिभाषा दी थी, अर्थशास्त्र की जो परिभाषा दी थी, डेवलपमेंट से संबंधित, विकास संबंधित, विकास से संबंधित इन्होंने परिभाषा दी थी। ठीक है, सैमुएलसन को कोई पूछेगा नोबेल पुरस्कार विजेता सैमुएलसन ने अर्थशास्त्र की परिभाषा विकास से संबंधित दी थी, डेवलपमेंट से संबंधित दी थी। इन्होंने बताया क्या, अगर कोई समाज के लोग डेवलप करते हैं तो कोई नहीं, हमारा देश डेवलप करेगा। अगर हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो हमारे देश का जो है बहुत अच्छा स्थिति होगा। सभी लोग रोजगार की स्थिति में तभी आएंगे जब हमारा देश विकास करेगा। बात समझ में आया? इसीलिए इन्हें आधुनिक अर्थशास्त्री कहा जाता है, सैमुएलसन को। ठीक है, तो ये हम लोगों का ये इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है ये लगभग कंप्लीट हो चुका है, और आगे का जो क्लास होगा अब हम लोग देखेंगे क्या कि अर्थव्यवस्था से संबंधित हम लोग बातें को समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग बने रहें मेरे साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।